जी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट चल रहा है. क्या चल रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट, उसमें चल रहा है टाइप 3B. टाइप 3B ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज मैंने आपको बताई थी कि इसमें हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है. ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है. जो पहला और दूसरा टाइप था उसकी खास बात थी कि नए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया होता है, नया पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया होता है, पर इसमें हमें निकालना होता है. ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 81 देखो. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, 90% क्वेश्चन तो वही होगा जो हम पीछे सीख के आए हैं. They decide to admit Rohan for 1/3 share upon the term that he is to pay into business 1/3 of goodwill and sufficient capital to give him 1/3 share of the total capital of the new firm. It was agreed that reserve for doubtful debt is reduced to 100. जो आपने प्रोविजन लगा रखा है 400 का, वो कम होकर 100 का हो गया. यानी लॉस का कम हो जाना भी अपने आप में गेन है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दैट इज 300. ठीक है, डेट इज आपका 300 से बाद में बढ़ जाएंगे. स्टॉक 2000 का हो गया, पहले कितने का है? 1500 का. ठीक है, प्लांट 500 का हो गया, पहले कितने का है? प्लांट 650 का. टू प्लांट अकाउंट 150. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मोहन एंड सोहन 650 आ गया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 392.60. जो नया पार्टनर रोहन आ रहा है 1000 गुडविल तो देने को तैयार है. यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 1600 एंड 400. अब बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट. मोहन सोहन रोहन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2001. कुछ पुराना जनरल तो प्रॉफिट लॉस गुडविल कुछ भी नहीं दिया हुआ. बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 392.60 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. इसको मिल गए 600, इसको मिल गए 400. टू बैलेंस शीट 2990.1666. ठीक है जी, इफ 1/3 शेयर बिलोंग्स टू टू रोहन देयर फोर टोटल दबा नहीं होता, वन में से 1/3 शेयर, 2/3 शेयर बिलोंग्स टू मोहन एंड सोहन. अब 2/3 की पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये मोहन का है और ये सोहन का है. यानी 2/3 ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 4650. देखो टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल हो गई आपकी 4650 into 3/2
6975 कितनी होगी 6975. सो रोहन कंट्रीब्यूशन फॉर कैपिटल, अगर ध्यान से देखो वन थर्ड रोहन का है तो टू थर्ड बाकियों का है. टू थर्ड बाकियों का किसके बराबर है 4650 के बराबर. टोटल कितना होनी चाहिए कैपिटल 6975. तो रोहन अपने शेयर के हिसाब से 6975 का वन थर्ड देगा यानी 2325 रिसीव करो. लो जी रिसीव करते हैं. कैश है इसमें, ट्रांजैक्शन कैश से होगी. कैश अकाउंट डेबिट 3325 टू रोहन कैपिटल लगाऊं. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी, बाय कैश अकाउंट कैपिटल लाएगा 2325. ठीक है जी. यहां तक नोट करो. ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. देखिए ढंग से अगर आपने प्रिपरेशन करी होगी और सिस्टमेटिकली करा होगा कौन से टाइप का क्वेश्चन है क्या कैसे करना है. एक तो रिवीजन में बड़ी हेल्प मिलती है, जब भी आप रिवाइज करोगे आपको पूरा ध्यान होगा कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है. लो जी अब बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. लो जी प्लांट 650 का था, कम होकर रह गया 150. से कम होगा कितना का रह गया 500. कैश 650 पहले था हमारे पास, 3325 और आ गया यानी 3975 हो गया. डेटर्स 1000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो गया 900. स्टॉक 1500 में इंक्रीज हो गया 500 कितना हो गया 2000. लो जी कैपिटल मोहन सोन राइटर्स 400 7375
7375 7375 7375। ठीक है जी, करो नोट। ठीक है जी, चले आगे। ये खत्म हो गया, अब करेंगे 84। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, कहानी वही है कि पहले आपको रिवॉल्यूशन बनाना है। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 14,000 बाय बिल्डिंग अकाउंट 14,000। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 7,000। डाउटफुल डेप्ट रेज टू 1,000, पहले 300 है, अब बढ़ा के कर दिए गए 1,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और बनाने पड़ेंगे हमें। इस पॉइंट पे खास तौर पे ध्यान रखा करो, यहां फंसते हैं बच्चे अक्सर। ठीक है जी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट जैन एन गुप्ता, दैट इज 6,300। रेशियो है 4:3, PSR है 4:3, 27। नया पार्टनर 21,000 रुपये गुडविल दे रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 जैन कैपिटल अकाउंट एंड टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई नई रेशियो नहीं दी हुई है तो PSR ही लगा देंगे सीधा जो उनके आपस में है। ठीक है जी,
ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुराने को जनरल परफॉर्मेंस गुडविल कुछ नहीं, ठीक है जी। इधर आ जाओ, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, 3600 and 2700 लो जी, प्रीमियम का पैसा मिल गया। ठीक है जी, अब वही कि मिश्रा जी क्या देंगे, मिश्रा विल ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड। अब इसमें नए पार्टनर कैपिटल में निकालनी है, उसने कुछ दिया तो है नहीं आपको कि कंबाइंड कैपिटल है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं, तो सीधे सीधे चलेंगे। इफ मिश्रा जी का शेयर है 1/4, इफ 1/4 belongs to Mishra, therefore 3/4 belongs to Jain and Gupta, 3/4 of capital देखो टोटल कैपिटल, इनटू 4/3 209733 फॉर मिश्रा कंट्रीब्यूशन फॉर कैपिटल तो देखो क्या है इसमें, कैश कैश से ले लेंगे तो कितना देगा, कैश अकाउंट डेबिट 52 + 10 = 73,433 टू मिश्राज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, अब रिसीव कर लेंगे इससे, बाकी कहानी वही है। कॉपी कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।
ठीक है जी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। कॉपी कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और अच्छे से कॉपी कर लो। वर्किंग नोट अच्छे से दिखाना है, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के कुछ नहीं मिलता वहाँ, ठीक है जी। लो जी, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लो जी। कैश 14,800 है, उसमें नए पार्टनर ने एडिशन दिया है 73,433, तो कितना हो गया ये 88,233, ठीक है जी। डेटर्स ट्वेंटी 20,500, डाउटफुल डेट्स बढ़ के हो गया 1,000, कितने रह गए 19,500। स्टॉक 20,000 का है, और कोई चेंज है स्टॉक में? नहीं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, सारा ध्यान इस पे लगाना है, सारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि इसी के कारण सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है जी। स्टॉक 20,000, प्लांट 40,000 था, जिसमें 7,000 डेप्रिसिएशन लग गया, रिड्यूस होकर कितना रह गया 33,000। बिल्डिंग आपकी बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है, बिल्डिंग 75 की है, और ऐड हो गया 89,000। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 3,000, बैंक ओडी 17,000, और कैपिटल लिख लो जैन गुप्ता मिश्रा, फोर 33,2097, लो जी 249,733, ठीक है जी। अब आप चाहो तो अच्छे से करो और बार बार रिवाइज करो, आपको दोबारा किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
कॉपी कर लो इसको, अब 86 करेंगे। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब इसके बाद करेंगे 86। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है जी। सबसे पहले रिवॉल्यूशन, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने के, 210 की 20% एप्रिसिएशन हो गया, 42,000। प्लांट इज इंक्रीज बाय 60,000, ये भी गेन हो गया। प्लांट कितना है, 60,000। लो जी, कहता करना विल ब्रिंग 80,000 एज अ हर शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल एंड द लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड एट 60। देखो पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है, 1 लाख का, वो घट के कितना रह गया, 60,000। तो कितना लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, 40,000 से गेन हो गया, ठीक है। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये पार्टनर्स खुद अपने प्रॉफिट शेयर में से निकाल के बनवाते हैं, तो उनको वो डायरेक्ट उनकी कैपिटल में दे देंगे, यहां पर रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, ठीक है जी। तो पहला स्टेप खत्म हो जाता है। कैपिटल अकाउंट्स, कल्पना एन कनिका, थ्री इज टू टू, प्रीमियम फॉर गुडविल तो दे ही दिया है। कितना दे रही है, नई पार्टनर करुणा है, कल्पना करुणा सॉरी करुणा करुणा ने 80,000 गुडविल दी है। कल्पना कैपिटल अकाउंट तो कनिका कैपिटल अकाउंट, कोई नई रेशियो तो लग सकती नहीं है, तो प्रॉफिट एंड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कन्निका करुणा,
लो जी, सबसे पहले बैलेंस लिखो इनका, 4,80,000 एंड 2,10,000। डायरेक्टली देखा जाए तो बटने वाली क्या चीज है, जर्नलिज्म। पीएसआर में बांट देंगे, ठीक है जी। फिर जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो भी 40,000 से कम हो गया है, लाइबिलिटी कम होना, वो भी गेन है, वो डायरेक्ट आ जाएगा इनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 40,000 को अगर हम बांटे 3:2 में, 24,000 एंड 16,000, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन में आ जाओ, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है जी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, अभी करोना का कुछ पता नहीं। ठीक है जी, लो करुण आर्य ने इफ उसको बोला गया 150 के हिसाब से कैपिटल देगी, 1/5 बिलोंग्स टू करुणा, न्यू पार्टनर कौन है, करुणा। देखो बाकी हो कितना बचा, 4/5, क्योंकि टोटल तो 1 होता है, 1/5 करुणा का, तो 4/5 बिलोंग्स टू कल्पना प्लस कनिका, 4/5 ऑफ कैपिटल टोटल कैपिटल हो जाएगी 12,15,000। देयरफॉर करना शेयर ऑफ कैपिटल टोटल में उसका हो गया 2,43,000। अब हम देखेंगे है क्या हमारे पास, हमारे पास है कैश वाली ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट 243 प्लस 80, ठीक है जी, 243 प्लस 80, 3,23,000। ठीक है,
ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, राइट। बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है जी, आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 की है, जिसमें 42,000 का एप्लीकेशन है। प्लांट 270, जिसमें 60,000 का। स्टॉक 2,10,000, 2,10,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, वो 132 माइनस 12,000 ही है। कैश 1,30,000 प्लस 323 हो रहा है, 453 हो गया। इधर भी लिख देंगे बाय कैश करोना लाई है 4,53,000। ठीक है जी, 453 कैपिटल। कैश लाइट 243, जनरल रिजर्व खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम होकर रह गया 60,000, क्रेडिटर्स 90,000। एक बार सारी एडजस्टमेंट दोबारा से पढ़ लो, तो कोई चीज छूट तो नहीं रही। लो जी, ₹13,65,000। ठीक है जी, कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है यहां पर। लैंड एंड बिल्डिंग 210 प्लस 42, प्लांट बड़ा है, स्टॉक ठीक है, वो 120 है, 130 में 323 और
son law. लो जी, अब करेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो जी, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होगा, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल नाम की चीज दी होगी तो उसे खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जैसे हेडिंग है व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल प्राइवेटली पे करी जाती है तो उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। ठीक है जी, तो पढ़ो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, दे टेक सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। The goodwill account appear in the books at its full value 15,000. C is to pay proportion of as premium of goodwill which he pays A to A and B privately. So uski to wo transaction honi, prani balance sheet wali goodwill ko write off kar diya jayega. To asset ko khatam karne ke liye capital ko debit karna padega. Kyunki agar asset khatam hogi to capital bhi to kam hongi. Prani balance sheet ki goodwill write off kar denge. Theek hai ji? PSR 2:1, 10,005। ठीक है जी, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनेगी। लिखेंगे गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट नाउ रिटर्न ऑफ उस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, उसके बाद हमने अभी तक जो पढ़ा है, एडमिशन में नया पार्टनर आता है, गुडविल कैश में लाता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, अब इस पे बेसिक क्वेश्चन ऑफ 17 से लेकर 24-26 तक दिए हुए हैं। ठीक है, देखते जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7।
Either A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 5. They admit C on that condition that he will bring 14,000 as share of goodwill cash distributed between A and B. C's profit, future profit will be 1/4. ठीक है? कहता new profit sharing ratio निकालो and goodwill. मैं सीधा goodwill का treatment कर देता हूँ. NPSR तो आपको निकालनी आती है. नया partner goodwill आ रहा है. Cash account debit to premium for goodwill account. 14,000. ठीक है? Premium for goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account. Ratio, क्योंकि कोई अलग से तो ratio दी नहीं हुई, 2:5 में बांट देंगे. 4,000, 10,000. ठीक है जी. कर लो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. अगला देखो जी इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 18. इन क्वेश्चनों में ये देखोगे पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर तो नहीं कर रही. जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर. सी ब्रिंग इन 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल. एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल अपीयरिंग इन द फर्म बैलेंस शीट इज 3,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. तो सबसे पहले तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो. ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन उसकी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, दैट इज 3,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड लग जाएगी क्योंकि ओल्ड गुडविल है. कितनी? 3:2. ठीक है जी. अब नया पार्टनर आ रहा है, दोनों चीजें कैश में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट. ये चीजें हम इसलिए आसान लगेंगी क्योंकि हम इसको बड़े क्वेश्चनों में कर चुके हैं. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी. 30,000 + 10,000. ठीक है जी. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. इन भी दे रखी है और ओल्ड रेशियो भी दे रखी है. सेक्रेटरी रेशियो लगाएंगे, निकाल लो. एज सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस, ये उनकी ओल्ड रेशियो है माइनस न्यू रेशियो. लो जी, ये भी हो गया 1/10, ये भी हो गया 1/10, यानी इक्वल सेक्रीफाइस है. तो इसको भी 5,000 मिल जाएंगे और इसको भी 5,000 मिल जाएंगे. ठीक है जी. नरेशन खुद लिख लेना. जैसे न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश एंड कैपिटल इन गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है जी.
19 देखो, वही चीजें आएंगी जो हम पीछे पढ़ के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 19 पहले से कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, 19 देखो, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3:2। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। यानी कि ए का सेक्रीफाइस है 1/5 और बी का सेक्रीफाइस है 2/5। इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1:2। फॉर दिस पर्पस सी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 एंड वो कैश में लाया और बिजनेस में ही रहेगी। ठीक है जी, तो उसका शेयर कितना हो गया, जैसे कि एज रेशियो 3/5, ए सरेंडर्स फॉर सी 3/5 का 1/5 देने को वह तैयार है, दैट इज 3/25। देयर फॉर एज न्यू रेशियो, बीज रेशियो, बी सरेंडर्स फॉर सी अपने शेयर का 2/5 देने को तैयार है, यानी 4/25। ठीक है जी, सो बी इज न्यू रेशियो 2/5 में से 4/25 उसने दे दिया। सो ए इज न्यू रेशियो 12/25, बीज न्यू रेशियो 6/25, सीज रेशियो 3/25 एक से मिला है, 4/25 एक से मिला है, 7/25। एनपीएसआर हो गई 12:6:7, गुडविल 75,000, therefore C brings 75,000 का 7/25 21,000 कितना लाया है, 21,000। ये चीजें कैश में वो लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, बट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 21,000 की आई है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो वो शेयर छोड़ रहे हैं अपना, वो 3/25 छोड़ रहा है, वो 4/25 छोड़ रहा है, यानी यही इनका सेक्रीफाइस है, दैट इज 3:4, 3:4, 9,012।
अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। कॉपी कर लो, पॉज द वर्किंग नोट अच्छे से बना लेना। ठीक है जी, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट, the B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. D is admitted paying a premium of goodwill for 2000 per 1/4 share of profit. The share of B and C remain before. नया partner आ रहा है, goodwill cash में आ रहा है, cash account debit to premium for goodwill कितना लाया है? 2000 premium for goodwill account debit टू ए कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल। बी में आ जाओ, कहता बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस जो 3:2, डी इज एडमिटेड एंड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर, वी ईच एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। जितना वो छोड़ रहे हैं वही उनका सैक्रिफाइस है, तो 2:1 हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिसीव कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्ट्रेट अब निकल रही है इसमें 2:1। ठीक है जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फिर इकट्ठे उतार लेना। बी एंड सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, डी एडमिटेड एंड पेइंग हिम 15,000 फॉर 1/4 ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रीमियम दे रहा है यानी गुडविल दे रहा है। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो इसमें थोड़ा झोल वाला क्वेश्चन है। पहले बी इज टू सी की रेशियो है 3:1, डी आया 1/3 शेयर के लिए, डी शेयर 1/3, देयरफॉर रिमेनिंग 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3
फॉर बी एंड सी। बी एंड सी कहते हैं हम इसे इक्वल बांटेंगे, बी एंड सी कहते हैं हम इसे क्या बांटेंगे, इक्वल। सो एज न्यू रेशियो टू थर्ड का हाफ यानी वन थर्ड, बीज न्यू रेशियो दैट इज आल्सो वन थर्ड। तो इनकी एनपीएसआर होगी तीनों की 1:1:1। अब सेक्रीफाइस अगर निकालने जाएं तो बी का सेक्रीफाइस पहले रेशियो 3/4 है, अब वन थर्ड होगी, कितना आएगा 5/12। सी का सेक्रीफाइस पहले कितनी है 1/4, अब होगी 1/3, उसका क्या है नेगेटिव आ गया, यानी उसे गेन हो गया, यानी उसे क्या हो गया गेन हो गया। ठीक है, तो जो पहले नॉर्मली ला रहा है उसको रिसीव करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। बड़ा ही अच्छा स्टार माल है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, टू प्रीमियम अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट कितना लाया है 15,000। सारे का सारा किसको चला जाएगा, सारे का सारा बी को चला जाएगा, टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, जितना उसे गेन हुआ है उस गेन की वैल्यू उसे निकालनी पड़ेगी, सी को भी पे करना पड़ेगा बी को। लो जी, जैसे कि बेसिस लेंगे डी का, डी ने 15,000 गुडविल दिया, डी ब्रिंग रुपीज 15,000 पर 1/4 ऑफ गुडविल, देयरफॉर टोटल गुडविल 60,000, सॉरी हाँ टोटल गुडविल कितनी होगी 60,000। अब गेन कितना हुआ है 1/12, देयरफॉर सी गिव टू बी, गुडविल में जितना उसका गेन हुआ है, उसका गेन हुआ है 1/12 का, 5,000 रुपए उसको भी देने पड़ेंगे, सी को भी देने पड़ेंगे बी को। सी ओल्ड पार्टनर है, उसका शेयर कम होना चाहिए, पर उसका शेयर बढ़ गया, जितना भी शेयर बढ़ा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है 5,000, वो हमने कैसे निकाली है डी के हेल्प से, 15,000 रुपए दिए 1/4 के लिए, तो टोटल गुडविल कितनी होगी 60,000, तो 60,000 में उसका गेन 1/12 कितना हो गया 5,000, कितना हो गया 5,000। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था, दोनों कॉपी कर लो। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अब चलते हैं 22 पर, वही चक्कर होता है नॉर्मली क्वेश्चनों में, नया पार्टनर आ रहा है गुडविल कैश में ला रहा है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एक एक्स्ट्रा केस आ गया जिसमें लेकिन पुराने पार्टनर का शेयर कम नहीं हुआ उल्टा बढ़ गया, तो वो गेनर हो गया, वो कौन हो गया गेनर हो गया। तो जो गेनर होता है उसे भी प्रोवाइड करना पड़ता है लूजिंग पार्टनर को, लूजिंग पार्टनर को होना सिर्फ बी, लूजिंग पार्टनर को होना सिर्फ बी। नया पार्टनर लाया गुडविल, उसने तो चुपचाप पकड़ा दी जो लूजिंग पार्टनर था, अब लूजिंग पार्टनर जो बी है वो सी को बोलेगा भी तेरा शेयर तो बढ़ गया, अब तेरा जो शेयर बढ़ा है उसकी वैल्यू है 5,000, तो सी को वो 5,000 देने पड़ेंगे बी को, सी को वो 5,000 देने पड़ेंगे बी को। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22।
22. M and J are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. The new profit sharing ratio is 5:3:2. R brought 25,000. Pehle to receive kar lo. Cash account debit to premium for goodwill account. Kitne laya? 25,000. Ab sacrificing nikalenge ratio. M sacrifice. J sacrifice. ये इनकी old ratio है, new ratio है 5/10, 3/10, 5/10, 3/10. ठीक है जी, ये हो गया 1/10 और ये भी कितना हो गया 1/10. ठीक है जी, ठीक है जी. वहां पर आके वही तीन चार चीजें हैं जो बार बार आपको ध्यान रखनी लोच. चलते हैं अब 23rd देखिए. लैंग्वेज को ही समझना है और फट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लोच. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. C is admitted who pays 40,000 as capital and necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. Firm ki 60,000 hai aur naye partner ka share hai 1/5. So yani 60,000 ka 1/5 kitna hoga? 12,000 use dena padega. Dono dene ko taiyar hai. Receive kar lete hain. Cash account debit. To C's capital account. And to premium for goodwill account. Premium for goodwill account. Forty plus twelve. 60,000. Premium for goodwill account debit. To A's capital account and to B's capital account. ठीक है जी. Sacrificing ratio दे रखी है सीधा सीधा 1:1. 6,000 and 6,000. ठीक है जी. 6,000. पहले पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर.
ठीक है जी, 23 के बाद 24, पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अपियर कर रही है 4,40,000। जैसे ही कोई नया पार्ट एंटर होता है पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को हटा दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। पुराने पार्टनर है अनु एंड भगवान, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, रेशियो है ओल्ड रेशियो, ओल्ड PSR 3:1, 3,30,000, 1,10,000। ठीक है जी, 1,10,000। नया पार्टनर आ रहा है, 1,00,000 रुपए कैपिटल दे रहा है, 2,50,000 गुडविल है फर्म की, किसकी है फर्म की, ध्यान रखना है किसकी है फर्म की, तो उसमें उसका शेयर है 150,000 गुडविल के देगा। तो नया पार्टनर है राजा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,00,000 + 50,000, 1,50,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट